विधानसभा विधान परिषद दोनों से तभी गया हुआ है दस्तखत के लिए गवर्नर साहब क्या, तुम तो बाहर थे तो आज हम अखबार में देखे हैं कि आ गए, तो हम उम्मीद करते हैं कि आज दस्तखत कर दें ताकि तुरंत लागू हो जाए, जिस दिन उनका दस्तखत हो जाएगा उस दिन लागू हो जाएगा, हम तो वेट कर रहे हैं, नहीं तो लागू जिस दिन दस्तखत कर दें उस दिन अगले दिन से लागू हो जाएगा, सबको इतना लाभ मिलने लगेगा। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है, आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चाहते हैं जल्द से जल्द बिहार में आरक्षण का दायरा बढ़ाया जाए। आपको बता दें बिहार में जाति आधारित गणना कराई गई जिसकी रिपोर्ट सार्वजनिक की गई, प्रकाशित की गई 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के दिन। उसके बाद आर्थिक सर्वेक्षण की जो रिपोर्ट है वो भी पेश की गई बिहार विधानमंडल के शीतकालीन सत्र के दौरान। अब ऐसे में नीतीश कुमार चाहते हैं जल्द से जल्द जो विधानमंडल ने प्रस्ताव पारित किया है दोनों ही सदनों ने, उस पर महामहिम राज्यपाल की मोहर लगे, उनका हस्ताक्षर हो जाए, लेकिन वे वेट कर रहे हैं, अब इंतज़ार कर रहे हैं। महामहिम बिहार में मौजूद नहीं थे, लेकिन जल्द से जल्द वो चाहते हैं महामहिम अपना फैसला लें, यानी कि वो हस्ताक्षर करें जिसके बाद बिहार में आरक्षण का दायरा बढ़ जाए। नीतीश कुमार आज महिला उद्यमी योजना के कार्यक्रम में शिरकत करने पहुँचे थे, वहाँ की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। बिहार के मंत्री विजय चौधरी, समीर महासेठ, रत्नेश सदा, तमाम जितने मंत्री हैं वो मौजूद थे, उनकी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। उद्योग विभाग की ओर से कार्यक्रम रखा गया था जहाँ नीतीश कुमार शिरकत करने पहुँचे थे, क्या कुछ वो कह रहे थे जरा सुनिए। अभी बहुत तक काम कर रहे हैं भाई, अभी तो आपको मालूम न है कि अभी तो इस बार जो हम लोग कर दिए, आपको मालूम है ना कि जो हम लोग करा दिए थे जाति आधारित गणना और हर जाति की आर्थिक स्थिति का अध्ययन, तब देखे ना इस बार हाउस में तो सब कुछ करके हमने कर दिया और सब तय कर दिया, कोई भी जाति का हो, जो पिछड़ेपन में है, अपर कास्ट हो या नीचे हो, हर किसी के उत्थान के लिए भी हम लोगों ने तय कर दिया कि उसको करेंगे, एक एक चीज तय कर दिया। आज जितने लोग जाति आधारित गणना में जो कुछ भी काम किया है और लोगों के विकास के लिए और विस्तार के लिए के काम किया और उसका भी कर रहे हैं हम लोग, उसका और ज्यादा तभी पेंडिंग है कोर्ट से, तो ये कोर्ट कर रहे हैं, यहां से तो पास हो गया विधानसभा विधान परिषद दोनों से, तभी गया हुआ है दस्तखत के लिए गवर्नर साहब क्या, तो बाहर थे तो आज हम अखबार में देखे हैं कि आ गए, तो हम उम्मीद करते हैं कि आज दस्तखत कर दें ताकि तुरंत लागू हो जाए, हमको तो उम्मीद है कि जल्दी करेंगे। आज तक तो जो नियम है कि जो पास होता है उसको विधान परिषद से उसको जल्दी दस्तखत करते हैं, तो एनीवे खैर ऊपर हमको कुछ नहीं कहना है, नहीं तो यही कमेंट शुरू कर देगा, यही लोग शुरू कर देगा, तो इस पर हमको कुछ नहीं कहना है कि जैसे ही होगा जिस दिन उनका दस्तखत हो जाएगा उस दिन लागू हो जाएगा, हम तो वेट कर रहे हैं, नहीं तो लागू जिस दिन दस्तखत कर दें उस दिन अगले दिन से लागू हो जाएगा, सबको इतना लाभ मिलने लगेगा। और कितना पैसा हम लोग कर रहे हैं, तो नीतीश कुमार ने क्या कहा है हल्का फुल्का मीडिया पर भी बोलते हुए, उन्होंने कैसे कटाक्ष किया है, हालांकि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले, अब इसे लेकर वो जल्द आंदोलन भी शुरू करेंगे, ये भी उन्होंने कहा है। आपने वो वीडियो भी देखा होगा लाइव स्ट्रीम पर। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।